माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी बोर्ड 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसी कार्यक्रम के अनुसार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हाई स्कूल और इंटर दोनों का कंप्लीट टाइम टेबल बता रहा हूँ। आप लोग इसको देखिए और इसी के अनुरूप अपनी तैयारी करिएगा। सबसे पहले जो परीक्षा आपकी शुरू हो रही है 22 फरवरी से शुरू हो रही है, ठीक है। 22 फरवरी से हाई स्कूल की परीक्षाएं शुरू हैं और इंटर की भी परीक्षाएं शुरू हैं और ये आपकी चलेंगी पूरी परीक्षाएं 9 मार्च 2024 तक, ठीक है। 22 फरवरी से 9 मार्च तक परीक्षाएं होंगी। अब इसमें जो भी आपके विषय हैं विषय के अनुरूप ये परीक्षाएँ आगे पीछे होंगी, तो मैं कम्प्लीट जानकारी दे रहा हूँ, आप लोग अंत तक देखिएगा वीडियो को। साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी आपके मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, वहाँ पर भी। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाई स्कूल की परीक्षाओं के बारे में। तो हाई स्कूल की जो परीक्षाएं प्रारंभ हैं वो 22 फरवरी से हैं और हाई स्कूल की जो परीक्षा होगी वो सुबह पाली में होगी। टाइम रहेगा 8:30 बजे से 11:45 तक, ठीक है। ये परीक्षा का टाइम है 8:30 से 11:45, यानी 3 घंटा आपको पेपर हल करने के लिए मिलेंगे और 15 मिनट मिलेंगे आपको पेपर को पढ़ने के लिए। तो कुल 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर होगा, ठीक है, हाई स्कूल का 8:30 से 11:45 तक। और आपको परीक्षा केंद्र में कम आधा से 1 घंटा पहले पहुंचना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिन जो हाई स्कूल की परीक्षा होगी वो हिंदी और प्रारंभिक हिंदी दोनों परीक्षा, आपने जो भी विषय लिया हुआ है हाई स्कूल में उसकी आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। और फिर देखिए इंटर में बता देता हूँ तुरंत, 22 फरवरी को प्रातः जो परीक्षा होगी वो सैन्य विज्ञान की होगी और हाई स्कूल में शाम मीटिंग में जो परीक्षा है वो वाणिज्य की है और इंटर में शाम मीटिंग जो परीक्षा होगी वो हिंदी और सामान्य हिंदी की होगी। सामान्य हिंदी होती है साइंस साइड वाले अभ्यर्थियों के लिए और हिंदी होती है आर्ट साइड के अभ्यर्थियों के लिए। इंटर की परीक्षाएं 2 बजे से शुरू होंगी और 5:15 तक चलेंगी। इसमें भी आपको जो है 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 15 मिनट जो है पेपर को पढ़ने के लिए होता है। तो इस तरीके से ये टाइम टेबल आपका रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 22 तारीख को मैंने बता दिया हाई स्कूल इंटर दोनों का। इसके बाद 23 फरवरी की देखिए सुबह पाली में प्रातः हाई स्कूल में रहेगा पाली भाषा की परीक्षा अरबी की और फारसी की और इंटर में रहेगा सुबह पाली में नागरिक शास्त्र, यानी 8:30 से 11:45। अब इंटर में देखिए शाम पाली में जो परीक्षा है तो इंटर में शाम पाली में 2 से 5:15 के बीच होगी। व्यावसायिक वर्ग के लिए परीक्षा सामान्य आधारित विषय, इसके अलावा कृषि सस्य विज्ञान की परीक्षा होगी कृषि वाले छात्रों के लिए, भाग 1 और भाग 2, और हाई स्कूल की रहेगी संगीत गायन। इसके बाद यहाँ पर देखिए 27 फरवरी को जो परीक्षा आपकी है वो प्रातः पाली में हाई स्कूल का गणित रहेगा और इंटर में फल एवं खाद्य संरक्षण जो अलग अलग विषय यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी विषय यहाँ पर दिए गए इनकी परीक्षा करवाई जाएगी। इसके बाद 27 फरवरी को यहाँ पर देखिए शाम मीटिंग में जो परीक्षा है वो हाई स्कूल में होगी ऑटोमोबाइल्स की, जो लोग लिए हैं उनके लिए, जो लोग नहीं लिए हैं उनकी छुट्टी रहेगी और शाम मीटिंग में रहेगी वाणिज्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए व्यवसाय अध्ययन और गृह विज्ञान की परीक्षा। 28 फरवरी को देखिए प्रातः पाली में रहेगी हाई स्कूल की संस्कृत और इंटर में अर्थशास्त्र। इसी तरीके से हाई स्कूल में सुबह रहेगा मॉर्निंग पाली मतलब इवनिंग पाली में रहेगा 2 से 5:15 के बीच संगीत वादन और इंटर में शाम मीटिंग रहेगा चित्रकला आलेखन, चित्रकला प्रावधिक और रंजन कला। इसके बाद 29 फरवरी को देखिए सुबह पाली में हाई स्कूल का रहेगा विज्ञान और शाम पाली में रहेगा कृषि, ये हाई स्कूल का है। इंटर में देखिए सुबह पाली रहेगा पाली अरबी फारसी लेखा शास्त्र वाणिज्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है और शाम मीटिंग रहेगा जीव विज्ञान गणित, दोनों एक ही दिन रहेगा। जो अभ्यर्थी जीव विज्ञान लेंगे जीव विज्ञान देंगे, जो लोग गणित लेंगे गणित देंगे। इसके बाद 1 मार्च को देखिए हाई स्कूल का प्रातः पाली में रहेगा मानव विज्ञान और हाई स्कूल का शाम मीटिंग रहेगा एनसीसी।
इंटर का देखिए भाषा का पेपर होगा सुबह पाली में, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, ये सुबह पाली में होगा इंटर का, और शाम मीटिंग में होगा मानव विज्ञान। इसके बाद 2 मार्च को देखिए जो परीक्षा होगी, 2 मार्च की हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो हेल्थ केयर, रिटेल ट्रेडिंग, खुदरा व्यापार वाली परीक्षा इंटर की हाई स्कूल की शाम मीटिंग में होगी, मोबाइल रिपेयर जो लोग लिए हैं, जो लोग नहीं लिए हैं उनकी छुट्टी रहेगी। अब देखिए इंटर की सुबह पाली में रहेगा संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य कला, और शाम मीटिंग में रहेगा अंग्रेजी 2 मार्च को। इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 मार्च को जो परीक्षा है तो हाई स्कूल की सुबह मीटिंग होगी अंग्रेजी, और शाम मीटिंग होगी सुरक्षा का। इंटर का देखिए सुबह होगा कंप्यूटर, सस्य विज्ञान, कृषि, वनस्पति विज्ञान, द्वितीय प्रश्न पत्र कृषि वाले अभ्यर्थियों के लिए, और कृषि अर्थशास्त्र सप्तम, ये भी कृषि वाले अभ्यर्थियों के लिए। और 4 तारीख को इंटर में शाम मीटिंग होगा भौतिक विज्ञान का पेपर, साथ में मनोविज्ञान भी होगा, शिक्षा शास्त्र भी होगा, तर्कशास्त्र भी होगा, आपका जो भी विषय होगा वो यहाँ पर करवाया जाएगा। इसके बाद 5 मार्च को देखिए जो परीक्षा होगी सुबह मीटिंग में हाई स्कूल के लिए, वो बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान का पेपर होगा, और जो बालक गृह विज्ञान लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गृह विज्ञान बालकों के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इस विषय इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है, तो यहाँ पर दोनों लड़का लड़की दोनों के लिए गृह विज्ञान का पेपर होगा। लेकिन आपको समझना यहाँ पर है कि आपने ये विषय लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है। इसी प्रकार इंटर की सुबह मीटिंग में देखिए फल एवं खाद्य संरक्षण और भी बहुत सारे विषय दिए गए हैं, इनकी परीक्षा करवाई जाएगी। अब देखिए 5 मार्च को शाम मीटिंग में हाई स्कूल का होगा कंप्यूटर का पेपर, और इंटर का होगा भूगोल, और कृषि वाले जो पेपर हैं कृषि भौतिकी वो वाले पेपर होंगे जो कि स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसके बाद देखिए 6 मार्च को जो परीक्षा है, 6 मार्च को सुबह मीटिंग होगी चित्रकला और रंजन कला हाई स्कूल के लिए, और इंटर के लिए होगा सुबह मीटिंग में कास्ट शिल्प, ग्रंथ शिल्प, सिलाई, और भी बहुत सारे विषय यहाँ पर दिए गए हैं, तो जो भी विषय इनमें से है तो उसकी परीक्षा आपकी होगी। इसके बाद शाम मीटिंग में देखिए हाई स्कूल की होगी आईटी या आईटीईएस, अगर आपने लिया हुआ है तो, नहीं लिया हुआ है तो कोई बात नहीं, और इंटर का होगा इतिहास, कृषि अभियंत्रण चतुर्थ पेपर, कृषि वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर। और 7 मार्च को देखिए हाई स्कूल का सुबह मीटिंग होगा सामाजिक विज्ञान, और इनका इंटर का होगा फल खाद्य संरक्षण, ये वाले विषय जो दिए गए हैं ये वाले पेपर करवाए जाएंगे। अब इसके बाद देखिए 7 मार्च को शाम मीटिंग में हाई स्कूल का सिलाई का पेपर होगा, और सुबह शाम मीटिंग में इंटर का होगा रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र। इसके बाद 9 तारीख को देखिए 9 मार्च को ये आखिरी दिन है, 9 मार्च को सुबह मीटिंग में होगा गुजराती, उर्दू, पंजाबी, ये विषय जो दिए गए इसका पेपर होगा हाई स्कूल में, और 9 मार्च को शाम मीटिंग में होगा पेपर इलेक्ट्रीशियन, आपदा प्रबंधन, सोलर सिस्टम रिपेयर, प्लम्बर, ये हाई स्कूल का है। तो ज़्यादातर हाई स्कूल वाले जो छात्र हैं इनका 9 तारीख को पेपर नहीं होगा, मेन विषय तो पहले ख़त्म हो गए हैं। इसी तरह इंटर में देखिए सुबह मीटिंग ये फल वाला ये जो विषय दिए गए इसका पेपर होगा, और शाम मीटिंग में होगा इंटर का संस्कृत होगा, और कृषि वाले छात्रों के लिए पेपर होगा कृषि रसायन। तो फिलहाल ये ऑफिशियल टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, अगर इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट UPMSP से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम पर भी ये आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।